दोस्तों, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप YouTube सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका YouTube चैनल YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर नहीं आ जाता तब तक आपको चैट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जब आपका चैनल YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर आ जाता है, तो आपका चैट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप डायरेक्ट ही YouTube टीम से बात कर सकते हैं यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती तो। लेकिन यदि आपका YouTube चैनल YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर नहीं आया है, आपको ये चैट वाला ऑप्शन आपके चैनल पर देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कैसे YouTube टीम से बात कर सकते हैं, YouTube टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? ऐसे में क्या आपके पास कोई ऑप्शन है YouTube सपोर्ट टीम से बात करने के लिए? बिल्कुल एक ऑप्शन है, जो कि मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो में तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस प्रकार की वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब YouTube सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट करने की कहानी क्या रहती है कि जब आपका YouTube चैनल YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर आ जाता है, जब आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है, जब आपके YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, और ये दोनों कब पूरे होना चाहिए? लास्ट वन ईयर में, मतलब कि लास्ट 365 दिन में यदि आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा हो जाता है, 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाते हैं, तो आपका YouTube चैनल YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर आ जाता है। आप अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकते हैं, बट आपको रिव्यू में भेजना होता है सबसे पहले, तब जाके आपके YouTube चैनल पर YouTube सपोर्ट के लिए एक चैट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जैसे ही आप चैट वाले सेक्शन पर टच करते हैं तो YouTube सपोर्ट टीम आपसे बात करती है, आप वहां पे YouTube से बात कर सकते हैं। लेकिन जब आपका YouTube चैनल YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर नहीं आता है, तो फिर आप कैसे YouTube सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल एक ऑप्शन है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने फोन में गूगल क्रोम में यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। गूगल में आपको सर्च करना होगा यूट्यूब स्टूडियो। जैसे आप गूगल में यूट्यूब स्टूडियो सर्च करेंगे, देन आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेना होगा। यदि आपका डायरेक्टली YT स्टूडियो ओपन हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आप YouTube स्टूडियो पर टच कर रहे हैं और आपका डायरेक्टली YT स्टूडियो ओपन हो जाता है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि डायरेक्टली आपको YouTube स्टूडियो ओपन हो जाता है तो अच्छी बात है। जैसे आप YouTube स्टूडियो ओपन करेंगे, देन आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपके चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यदि आपका YouTube चैनल YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर आता है, यदि आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो आपको यहाँ पे चैट का सेक्शन देखने को मिल जाता है, एक यहाँ पे चैट का बटन देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यदि आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आपको शो कर देगा, लेकिन यहाँ पे जो मेरा चैनल है, जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये मोनेटाइज नहीं है, सिर्फ एक सब्सक्राइबर है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये मेरी दूसरी आईडी है। यहाँ पे चैट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अभी हमको YouTube से, मतलब YouTube टीम से कॉन्टेक्ट करना है, तो अभी हम कैसे करेंगे? तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इस वाले क्वेश्चन मार्क वाले बटन पे टैप करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। आपको यहाँ पे सिंपली से क्या करना होगा, आपको थ्री लाइन पे टच करना है, देन आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना होगा। आपको यहाँ पे सबमिट फीडबैक का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको सेंड फीडबैक ऑन दिस हेल्प कॉन्टेंट एंड इंफॉर्मेशन जनरल हेल्प सेंटर एक्सपीरियंस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट वाले पे पहले से क्लिक हो रखा है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे टच करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, देन आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, सेंड फीडबैक। यहाँ पे आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, आप जो भी जानना चाहते होंगे, YouTube टीम से बात क्यों करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप उन सब चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब आप यहाँ पे हिंदी में मेंशन नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, बट आपको शायद रिप्लाई मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। आप क्या करिए, यदि आपको मेरे जैसे इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या करिए, आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ले सकते हैं। आप गूगल ट्रांसलेट ओपन करिए, वहाँ पर आप हिंदी में अपना पूरा कन्वर्सेशन, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आप पूछना चाहते होंगे, सारा का सारा मीटर लिखिए, उसके बाद आप इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट कर लीजिए, देन आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे फीडबैक पे पेस्ट कर दीजिए, तो आपको जो फीडबैक है वो इंग्लिश में चला जाएगा। एंड यहाँ पे आपको इंक्लूड स्क्रीनशॉट पे भी क्लिक करना है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप यहाँ पे उसके स्क्रीनशॉट जरूर अटैच करिएगा, सेंड जरूर करिएगा। उससे क्या होगा, यूट्यूब सपोर्ट आपकी और भी अच्छे से हेल्प कर पाएगा। यहाँ पे आप फीडबैक सेंड कर देना है, उसके बाद आपको 24 आवर्स में आपको यूट्यूब की तरफ से मेल आ जाता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, आपको उसका वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। यदि आपको यहाँ पे रिप्लाई नहीं मिलता यूट्यूब की तरफ से, तो आप क्या करिए, आप बैक करिए, एंड आपको यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इस पर टच करिए, देन नेक्स्ट करिए, और यहाँ से आप सेम जो मैंने आपको बताया वही फीडबैक आप यहाँ पे भी सेंड कर दीजिए, आप दोनों जगह पे सेंड कर दीजिए। तो गाइस, यही एक ऑप्शन है, यदि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, यदि आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के अंदर नहीं आया है, तो आप ऐसे यूट्यूब टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप फीडबैक सेंड करें, तो आप क्या करिए, आप सारी चीज़ों को क्लियर मेंशन कीजिए,
और आपके पास यदि स्क्रीनशॉट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसके स्क्रीनशॉट भी शेयर करिए ताकि यूट्यूब सपोर्ट की जो टीम है वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाए और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, नीचे इंस्टाग्राम के लिंक दे रखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसका यूज़ कीजिए। वेल वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस प्रकार की वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।